गुरुवार को शमशाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच अभियान चलाया। इस दौरान शमशाबाद में कई अस्पताल बिना मानकों के चलते हुए पाए गए, जिस पर सीएससी अधीक्षक ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों थाना सागन जगनेर रोड नरीपुरा में आर मधुराज हॉस्पिटल में आग लग गई थी, जिसमें डॉक्टर राजन और उनके बेटा और बेटी की जान चली गई थी। इसके बाद आगरा से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। शमशाबाद कस्बे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर उपेंद्र कुमार ने टीम के साथ चेकिंग अभियान शुरू किया। करीब आधा दर्जन अस्पतालों के मानक चेक किए गए। शमशाबाद आगरा रोड पर संचालित बोनो हॉस्पिटल के मानक पूरे मिले। इसके बाद जांच टीम गणपति हॉस्पिटल पहुंची। गणपति हॉस्पिटल पर कोई फायर उपकरण नहीं था। इसके अलावा एनओसी भी नहीं मिली। अस्पताल में बेड पर एक मरीज था, डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही पाठक हॉस्पिटल सहित कई हॉस्पिटलों को चेक किया गया। मुख्य सरकारी महोदय के अनुसार जो हम लोगों ने आज अभियान चलाया है, इसमें चार हॉस्पिटलों हम लोगों ने आज भ्रमण किया है। पहला बोना हॉस्पिटल, दूसरा नारायणी गणपति, तीसरा राधिका और चौथा पाठक हॉस्पिटल, जिसमें बोना हॉस्पिटल और पाठक हॉस्पिटल में काफ़ी हद तक मानक पूरे हैं और ये आगे कंप्लीट उनके वहाँ हो रहे हैं। लेकिन जो दो हॉस्पिटल हैं राधिका और गणपति, इनमें कोई भी जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो पूरे नहीं मिले हैं। इनके लिए मैं मुख्य अधिकारी महोदय को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और उस स्तर से कार्रवाई होगी। हाँ, इन तरह के हॉस्पिटलों को हम मुख्य अधिकारी महोदय से बात करके जैसा भी निर्देश होगा इनको बंद कराने का प्रयास किया जाएगा और जो मरीज वहाँ एक मरीज मिला है उनको हम सीएससी पे शिफ्ट कराने की। ऐसा बताया गया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर अस्पतालों की चेकिंग की जा रही है। जिन अस्पतालों में मानक पूरे नहीं है उनकी रिपोर्ट भेजी जा रही है, आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। शमशाबाद से श्यामवीर सिंह के साथ मनीष शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।